तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम आए थे देहरादून से और मसूरी तक का रास्ता उसने दिखाया था आपको, और वहीं से हमारा प्लान बना था सडनली कि चलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट। तो अभी जॉर्ज एवरेस्ट के जो एरिया है वहीं पर हम पहले पहुँच चुके हैं, जो नीचे के हमने गाड़ी पार्किंग की है। हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे पार्किंग भी है। ये मेरे साथ कारक है, हम दोनों ही आ रखे हैं। इनकी वजह से आए, इनका प्लान था यहाँ आने का। अरे मेरे को आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से चढ़ाई है, यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी हमने नीचे खड़ी कर दी, अब हम लगे हैं रास्ते। तो दिखाएंगे आपको यहाँ का एरिया कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने कहा था तुम्हें जॉर्ज एवरेस्ट चलो, अच्छा रास्ता होगा। गाइस ये है, यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा है, सफाई है रास्ते में, बहुत अच्छा यहाँ के जंगल, बहुत प्यारा लग रहा है। सर लिखा हुआ है, सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क, ऊपर है 1 किलोमीटर यहाँ से, हमने यहाँ से चलना है पैदल 1 किलोमीटर। ठीक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट में क्या कुछ अलग है आज देखने को यही मिलेगा। ठंडे यहाँ बहुत ठंडे, मतलब कि वही, लेकिन नहीं तो कहाँ जा रही बनाने वाली है। तो आपको रूट भी दिखाएंगे, इधर उधर का वादी, इधर उधर की दृश्य भी दिखाएंगे आपको। और ये देखो भाई को, शेख देखो भाई का, अल्लू को देखो भाई का, ऑसम लुक है। हम एक अपने यूट्यूब चैनल से मैसेज भी देना चाहते हैं कि जब भी आप लोग किसी टूरिस्ट प्लेस में घूमें, या किसी ऐसे जहाँ भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, या टूरिस्ट प्लेस में जैसे भीड़ होती है, तो अपना मास्क ज़रूर पहने। अपना मास्क पहनने से आपको ये होगा कि आपका सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट में उसका मास्क लगाएगा, या देखेगा, बोलेगा यार इन्होंने मास्क लगा रखा है, किसी को देख के लगाए दो। हाँ, तो इससे मतलब सेफ्टी है, खुद की सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी है, सैनिटाइज अपने पास जरूर रखिए। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। धीरे धीरे हल्की हल्की चढ़ाई है, और ये रास्ता यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है यार, अभी कोई नहीं है, मुझे उतार देना चाहिए। देख सकते हो आप, बहुत लंबा रूट है, और सीढ़ियों में भाई को पसीना आ गया, सीढ़ियाँ विकास भाई काउंट करना चाहते हैं, पर अब हो नहीं सकती, बहुत लंबा रूट ले चुके हम। और भाई का जुनून देखिए, कितनी जल्दी मेरे तो सांस, और देखो भाई को, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। वो देखो अभी भी दौड़ ही रहे हैं, भाई को देखिए कितना अच्छा है, भाई खुश हो गया, यहाँ आगे खुश हो गया भाई, देखो देखो। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है जॉर्ज एवरेस्ट का जो रहने का, जहाँ पे वो रहते थे पहले, वो यहाँ पे था, लेकिन पहले उस टाइम पे दूसरे तरीके से रहा होगा। तो इसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, और अभी तक इस पर बहुत सारा काम करना बाकी रह गया है। आप देख सकते हैं अभी नया नया आपको भी दिख ही रहा होगा, तो अभी तक इस पर काम चल ही रहा है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे कुछ साल के अगर म्यूजियम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन हाउस कहाँ पे? यहाँ पे, बट अभी सब मतलब नया बन रहा है। ठीक है, अभी सब पे काम चल रहा है, अभी काम ही चल रहा है, देख सकते हो। कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ऐसे खाली है, खाली है, बन रहा भी, बट लोकेशन पे बना रखा है, बड़े प्यारे लोकेशन पे, अच्छी जगह पे है। पर मकान जहाँ रहते थे,
अभी हम जॉर्ज एवरेस्ट में तो आएगी आपको बताया था, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा बहुत भाई को कुछ पता है, ये बताने वाला है। तो भाई इसका हिस्टोरिकल बहुत ही महत्व है। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट जिन्होंने इस पहाड़ी को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था, वो एक जियोलिस्ट है। उन्होंने यहाँ 10 साल बिताए मसूरी में, तो उनके बारे में काफ़ी हमको पढ़ने को मिला विकिपीडिया में, तो आपको भी हम डिस्कशन में दे देंगे। और आपको कुछ जानना हो तो गूगल बाबा जिंदाबाद। तो गाइस अभी तक आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट, अब यहाँ से हम नीचे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, अब हम घर निकलेंगे और एक दोस्त हमारा अभी वहाँ नीचे इंतजार कर रहा है। ठीक है तो निकलते हैं। कैसे लगा आपको यहाँ पे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है अब मिलेंगे हम फिर एक नई वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुझे कुछ बोलना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।